अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो तो ये पार्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि फेमस फेमस रील्स जो मिलियंस क्रॉस कर जाती है वो ऐसे ही लोकेशन पे बनाई जाती है। इतना आलीशान महल टाइप का बन रखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, दिस इज सूरज रोनियाल, आप देख रहे हैं सूरज रोनियाल ब्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं कॉन्टेंट क्रिएटर्स के पार्क भाई। तो ये देखिए, ये है फ्रंट फेस, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। ये है टिकट प्राइस, और टिकट प्राइस है 30 दो बंदों का, तो 15 रुपीज़ की यहाँ पे टिकट होगी। तो अभी ये मिल चुकी है टिकट, अब चलते हैं अंदर। तो जस्ट अभी यहाँ से हमने करा है एंटर, और ये है इसका फ्रंट गेट, और सामने कुछ इस तरीके का होगा। जब आप एंटर करोगे इट्स लाइक अ टॉम्ब, पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक इमारत है। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, जहाँ आप दूर दूर तक देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है, और यहाँ पे एलिफेंट्स पार्क के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर स्टैचू एलिफेंट्स की है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, ये है राष्ट्रीय दलित स्मारक, जिसको बनाया गया था श्रीमती मायावती जी ने, जब वो यहाँ की CM थी, चीफ मिनिस्टर थी, और तब उन्होंने ये ब्यूटीफुल सा पार्क बनाया। लेकिन अब तो आपको पता है यूपी के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, और लेकिन ये पार्क जो है मायावती जी ने बनाया था बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसीलिए आपको ज़्यादातर यहाँ पे आपको जो दिखेगा, यहाँ पे स्टैचूज़ मिलेंगे एलिफेंट के, और यही एक मेन कारण है क्योंकि उनकी पार्टी का सिंबल ही एलिफेंट था। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लेकिन अभी हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है यार। यहाँ पे जितने भी वीडियोग्राफी चल रही है ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी कैटेगरी के बंदे यहाँ पे। लेकिन हम रील नहीं बनाते, हम आपके लिए यूट्यूब के लिए लेके आए हैं, और सामने आप व्यू देखिए पूरा। यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखेगी, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल, और उसी के साथ ये पार्क बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे रील्स क्रिएटर हैं, और रील्स के लिए ही इस पार्क में आते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। तो लोकेशन के हिसाब से आपको मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे हर एक बंदा रील्स बना रहा है, और ये पार्क इतना ब्यूटीफुल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मोस्टली सारे रील्स शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए मोस्टली आते हैं। तो अभी मेरे को 99% यहाँ पे सारे शूट करते हुए दिख रहे हैं भाई, चाहे कहीं पे भी देख लो, किसी का भी कैमरा बंद नहीं है, और इवन मेरा भी कैमरा बंद नहीं है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग करने आया हूँ। तो हम भी ब्लॉग बना रहे हैं और इस पार्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं। रील्स कंटेंट क्रिएटर्स सारे यहाँ पे आ रखे हैं, और यहाँ पे मोस्टली इस पार्क में वही लोग आते हैं जो रील्स वगैरह बनाते हैं, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो मेरा मेन मकसद यही था यहाँ पे आने का, कि आप लोगों को दिखाऊं कि ऐसे पार्क्स भी यहाँ पे हैं जहाँ पे आपके फेमस फेमस रील्स जो मिलियंस क्रॉस कर जाती है वो ऐसे ही लोकेशन पे बनाई जाती है, इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पे। और यहाँ की एंट्री जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, 15 रुपीज़ ओनली। ये था वो स्टैचू जो एलिफेंट का था, एक तरह से स्टैचू भी है, फवारा है वो, तो अभी स्टार्ट तो है नहीं। तो वहाँ पे सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपनी रील्स रेडी कर रहे हैं, तो सोचा हम भी दिखा दें आपको।
तो कुछ इस तरीके का है ये पार्क जो मैंने आपको अभी दिखाया। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा इसमें कि ये जो एरिया है अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें आपको अंदर कैमराज वगैरह फ़ोटो शूट के लिए आप कैमराज DSLR टाइप नहीं ला सकते हो। आपके पास अगर फ़ोन है आपका अच्छा फ़ोन तो आप उससे ज़रूर शूट कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। मैं भी ट्राईपॉड के साथ व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो तो ये पार्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे, मैं 90-80% ऐसे कोई ओवरव्यू नहीं दूंगा, ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं और अपनी रील्स वगैरह बना रहे हैं। आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे सडनली मिल जाएंगे। मैं यहाँ का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर आना और एक बार इस पूरे पार्क को एक्सप्लोर ज़रूर करना। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर तो आपके लिए ये तो जन्नत होने वाली भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। तो ये है कंटेंट क्रिएटर्स का पार्क, तो एंट्री भी यहीं से है और एग्जिट भी यहीं से है। तो चलिए मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।